अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी फ्रेंड्स, आज मैं जो है वो ताकत का ख़जाना आपके परिंदों के लिए और आपके लिए भी और उसकी बात करने वाला हूँ, जिसको कहते हैं काले चने। बहुत से लोग जो हैं वो काले चनों का इस्तेमाल करते हैं अपने परिंदों के लिए, और आज जो है वो मैं काले चनों का, आप दोस्तों को पता ही है, आप दोस्त जो है वो देखते रहे हैं यूट्यूब पे, देखते हैं बहुत सी जगहों पे, पता है मेरा नहीं ख्याल कि किसी दोस्त को ना पता हो कि काले चनों का फ़ायद क्या है। लेकिन आज जो है मैं आपसे एक टिप शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और आपके परिंदों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो मे बी कि ये शायद ये चीज़ें आपको ना पता हो, काले चने बेसिकली जो हैं वो प्रोटीन से भरपूर होते हैं, और इसके अलावा काले चनों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बहुत सी जो है वो चीज़ें होती हैं। आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ कितनी मिकदार में पाई जाती है। डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं आज आपको देने वाला हूँ टिप, और जिसको कहते हैं एक तीर से दो शिकार। तो चलिए इस टॉपिक पे चलते हैं। काले चने जो है वो बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ कि साल के 12 महीने और 365 दिन जो है वो काले चनों का इस्तेमाल करूँ। थोड़ी थोड़ी मकदार में हम परिंदों को खिलाते हैं, बड़े परिंदों को ये ज़्यादा डाला जाता है, और कोशिश यही करते हैं कि बरसात के दिनों में भी हम जो है वो काले चनों को डालें और 2 घंटे के बाद निकाल लें। तो काले चने को बेसिकली हम जो है वो भिगो देते हैं, हम इसको बोरी की शक्ल में लेके आते हैं। जैसा कि रहील भाई पीछे जो है ये काले चनों को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि ये गांव से बोरी आती है, सस्ती मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक बोरी जो मैं लेता हूँ वो मुश्किल से जो है वो 2-3 महीने चलती है, क्योंकि 2-3 किलो तो डेली के जो है वो भिगोते हैं हम परिंदों को डालते हैं। तो ये जो है हम फिर क्योंकि इसको साफ़ कर लेते हैं कि इसमें से मिट्टी और तिनके जो है वो निकल जाए। उसके अलावा जो है हम इनको जो है वो रात को भिगो देते हैं, और दोपहर के टाइम जैसे शाम के करीब के टाइम में होता है वो हम अच्छी तरह से पानी से धो के एप्पल विनेगर से साफ़ करके हम परिंदों को इस्तेमाल करते हैं। तो टिप क्या थी आज की वो तो बताया ही नहीं। तो जनाब टिप ये है कि मैंने सुना है कि इसको अगर आप अच्छी तरह से वॉश करके, अच्छी तरह से जिसमें मिट्टी का ज़र्रा भी इसमें ना हो, 3-4 दफ़ा पानी से वॉश करें, और रात को जो है आप इसको साफ़ सुथरा जो पानी आप लोग पीते हैं उसमें अगर आप इसको भिगो दें, भिगोने के बाद आपने जितना भी आपने इस्तेमाल किया भिगोया और साफ़ सुथरे पानी में, और आपने सुबह उठते साथ ही जो है वो सुबह उठते साथ ही जो आपने इसमें जो पानी देखेंगे तो वो पानी आपको ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का नज़र आएगा। तो वो पानी जो है वो परिंदों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है और आप दोस्तों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। जैसा कि मैंने बताया कि जो पानी आपने पीना है उसी पानी में आपने अच्छी तरह से धोने के बाद उन काले चनों को भिगोना है। तो सुबह सुबह जो है आपने उठना है, सुबह सुबह उठने के बाद आपने उसमें से 1 कप जो है वो खुद पी लेना है, और बाकी जो पानी है वो जो परिंदों को पानी डाल रहे हैं उस पानी में आपने वो शामिल कर देना है। और काले चने अगर आप थोड़ा सा खाना चाहें तो खा लें। तो वो पानी जो आप रोज़ पियेंगे, रोज़ काले चने भिगोने हैं, रोज़ पानी पीना है, तो वो पानी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और काले चने को तो आपको पता ही है कि ये समझ लें कि हॉर्स पावर है, तो ये जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आपके बर्ड्स के लिए। बर्ड्स बहुत शौक से खाते हैं, और जिन दोस्तों को जो है वो प्रॉब्लम है, जैसा कि अभी बरसात का दिन स्टार्ट हो चुके हैं तकरीबन,
और बर्ड जो है वो मोल्ड पे हैं, और मोल्ड पे जो बर्ड होते हैं हम ऐसा ऐसा उनकी डाइट को कम कर देते हैं, तो काले चने उनके लिए बेहतरीन है। एक तो उनको ताकत इससे मिलेगी, दूसरा आपके पास जो ऐसे पेड़ जो आपके पास फर्टाइल नहीं किया जिन्होंने, अगर आप उनको ये खिलाएंगे तो वो 200% आपको फर्टाइलिटी देंगे, और साथ साथ उनको ताकत भी मिलेगी। ताकत के साथ साथ इसमें क्योंकि प्रोटीन है, तो जो बर्ड आपके मोल्ड पे हैं वो अपने मोल्ड बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और उनकी डेफिशिएंसीज को भी पूरा करेगा, और डेफिनेटली इसमें कुछ मकदार में कैल्शियम भी पाया जाता है, तो ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो दो जो है वो मैंने आपको उसके दो फ़ायदे बता दिए, आपकी सेहत के लिए भी और आपके परिंदों की सेहत के लिए भी। तो कुछ दोस्त पूछते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कितना डालना चाहिए, तो ज़्यादा भर भर के डालने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर एक पेड़ को मैंने कुछ 20-25 दाने जो है, अगर बड़ा पेड़ है तो उसको 20-25 दाने मैंने डाल देने हैं, और वो हार्डली इसको 20 से 25 मिनट में ख़त्म कर देगा। तो ये जो है काले चने मेरी रूटीन है, इंशाल्लाह अभी से मैं डालता था लेकिन कभी सोचा नहीं कि वीडियो बना के आप दोस्तों को बताऊं। तो जनाब काले चने आप आज से ही ख़रीद लें, कोशिश करें जहाँ से सस्ते मिले देसी काले चने, तो देसी काले चने बेहतरीन होते हैं। ये साइज़ देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त साइज़ है। तो ये काले चने आप अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करें, इसका पानी खुद पिए, इंशाल्लाह आपकी सेहत भी बेहतर होगी, आपके परिंदों की सेहत भी बेहतर होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।